भूषण जी, इस वेंचर को आप किस तरह देखते हैं, और तीसरी ने कलर्स के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो किस, आप इस आइडिया, ये आइडिया कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे? से हम बहुत सालों से, इनफैक्ट ये सबको जो पापा की जर्नी थी वो दिखाना चाह रहे थे, तो आई थिंक सब चीज़ें एक करेक्ट समय पे होती हैं, और जब ये समय आया और इनको राज जी ने और प्लस कलर्स ने सपोर्ट पूरा दिया कि हम इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। एनी मोर क्वेश्चंस? नीलम पुजारी है। Actually, I have told. क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट जो है हम गुलशन कुमार जी के लिए डेडिकेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑलमोस्ट ऑल आर रिलेटेड टू टी सीरीज सिंगर्स, बट लाइक आई सेड दिस प्लेटफॉर्म मूविंग फॉरवर्ड विल आल्सो बी अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल न्यू टैलेंटेड सिंगर्स हु वांट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। सुरों के रंग, कलर्स के रंग विल बी द प्लेटफॉर्म टू शोकेस सिंगिंग, म्यूजिक, ऑल काइंड ऑफ टैलेंट एसोसिएटेड विद इट ऑन नेशनल टेलीविजन। शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो भूषण जी ही थे, और उनकी बात कोई नहीं है सर, मतलब बोलते ना जैसे कोई बोलता है कि यार इसका नेचर उसके जैसे है, ये बड़ा दबंग है या ये बड़ा स्मार्ट है, ये बड़ा स्टाइलिश है, ये दोनों स्टाइलिश हैं, पर भूषण कुमार जी का जो एक ऑरा था वो एकदम अनूठा था, और मैंने ना उसके पहले किसी को देखा ना ऐसा कोई और बात नहीं देखा ना कोई को आएगा। उसके लिए बहुत इंडिविजुअलिटी चाहिए, उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। इनफैक्ट जब मैं आया था डी सीरीज में, तो डी सीरीज का बिल्कुल भी मतलब एक भी फिल्म उनके पास नहीं थी, देहा एक्चुअली आइसोलेटेड देमसेल्फ कम्प्लीटली। फिल्म में आएंगे भूषण के आने के बाद में, उसके पहले तो बस डी सीरीज वॉज डूइंग देयर ओन स्टफ एंड कम्प्लीटली। एंड उस समय जो मैंने माहौल देखा है, भूषण कुमार जी की हिम्मत, उनका अकेले चलने की जो ताकत थी, और जिस तरह वो लोगों को बड़ा प्यार से रखते थे, जब मुझे पहली बार मिले तो उनको अजीत गोयल जी ने बताया कि एक नया लड़का आया ये गाना, एक्चुअली मैंने एक डमी गाया था किशन कुमार जी के लिए फिल्म आजा मेरी जान में, आग लगे सावन को करे बेचे, तो ये गाना एसपी बालसुब्रमण्यम गाने वाले थे, तो ये मैंने गा दिया। और तो कुछ जी देख रहे थे, उन्होंने जब शूटिंग के बाद देखते ना तो थिएटर में बैठे देखे ये कौन है जी, तो कोई नहीं बताया ये कोई नया लड़का है, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, नया लड़का है कोई दिल्ली से आया, बुलाओ बुलाओ दिल्ली दो, इतने मतलब कोई और उधर बता नया आया अभी भीख मांगे दे, थोड़ा और भीख मांगने दो, थोड़ा सा और धक्के खाने दो, कि आइडेंटिफाइड कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर मुझे बुलाया गया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट चीज़ देखी और बोला, वो कोहली तो कह रहे थे कि आप छोटे, आप तो कुछ ज़्यादा ही छोटे, तो उनका ये मेरे लिए फर्स्ट डायलॉग था जो मुझे आज तक याद है। फिर मुझे कह रहे हैं आप चिंता करो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, सपोर्ट करूँगा आपको, चिंता करो मैं सपोर्ट करूँगा, और फुल ऐसा बोल सी आदमी की हिम्मत बन जाए, नौ भाई को मिलने का, इधर मिलने का, भाई इधर जाने जाने का, भाई देगा आते बताने का, हमको ये मिले थे लोग, अचानक एक कंपनी का बॉस हमको मिल रहा है और प्यार से बोल रहा नहीं आओ आप हमको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप, हमको सपोर्ट करेंगे आप। फिर एक बार मैं गुल्ली चढ़ के बाहर बैठा हुआ था, मतलब मैं एंटर करता स्कूटर में, मेरा बस का टू व्हीलर था, तो देखा उसने जी बाहर सिक्योरिटी के साथ में से बैठे हुए, हाँ जी आ जाओ आ जाओ बेटे आ जाओ, कहाँ से हो, दिल्ली से हो जी, अच्छा अच्छा क्या करते हो, मैंने अभी ट्वेल्थ पास किया है अभी, हाँ अच्छा अच्छा तो फैमिली का है दिल्ली में, तो बुला लो बुला लो, हम सपोर्ट करेंगे आपको, गवाएंगे घूम जाएगा, बुला लो बुला। अब ऐसा कोई आदमी बोलते हैं तो आदमी कितना मनोबल बढ़ता है। एंड देन ये सबको मैं बता चुका हूँ पहले कि मैंने इनके लिए खूब सारे वर्जन गाने शुरू किए, रिलेशन गाने शुरू किए, माता की भेंटें गाने शुरू की, और मैंने भी पूरी मतलब एक ईमानदारी दिखाई उनके साथ में, मुझे मैंने सबको कहा भी हो, एक बार टिप्स में रमेश सुरन जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने उस समय सब कंपनी सी बी एस सब आपस में कंपेटिटर्स हैं, तो रमेश जी कॉल में भी सेट देखो भाई हमने तुम्हें नाजायज में गवाया, इसमें गवाया, फुलतान में गवाया, उसमें गवाया, अब ऐसा करो कि तुम हमारे लिए बढ़ चुका हो। तो मैंने वो कहा कि सर भूषण जी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर भी अगर मैं आज उनसे चीटिंग कर सकता हूँ
तो कल मैं आपसे भी चिट्ठी कर सकता हूँ। मैं उनके से चिट्ठी कर सकता हूँ, लेवर डू वर्जन विद एनीबॉडी एल्स, आई डू फिल्म सॉन्ग्स विद यू बट आई नॉट डू वर्जन विद यू। सो दिस वाज द रिलेशनशिप विद गुलशन जी एंड ही रियली अप्रिशिएटेड ऑल दैट एंड टिल टाइम ही वाज अलाइव वी हैड अ ग्रेट टाइम आफ्टर ही लेफ्ट आई वी ऑल मेड श्योर दैट गुलशन वुड नेवर फेल्ट अलोन एंड दैट वी हैड अ ग्रेट जर्नी। उसके बाद में आप देख रहे हैं आज वो कितने अच्छे मुकाम पर पहुँचे, उन्होंने अपने पापा की जो बेटे था वो आगे ले जाके उसको और बड़ा किया। मैं बस सुनने की बातें सुन रहा था और उसे एब्सोल्युटली एंजॉयिंग इट। और नहीं ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो इस इन बातों के बाद मेरे पास ऐसी कोई अलग से खास बात है नहीं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ मैं भी कई बार टी सीरीज गया था, अपना कैसेट रख के आया था वहाँ, और एक बार गया था तो मैं तब तिरुपति जाकर मोटर करके आया था। तो दूसरी बार गया तो ये तो कोई और आ था, कह लो वो मिलने भी बाल आ गए, लेकिन आई ऑनेस्टली आई मीन दिस एंजॉयिंग द जो एक विजुअल बना जो बाल कह रहे थे दैट इज एंजॉयिंग दैट फील राइट नाउ टू आई थिंक इट्स योर सो यू नो नाइस स्टूडेंट अबाउट गुलशन जी। गुलशन जी कैसे इंसान थे कि जैसे वो कभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे बाकी वो सिंगर्स खड़े किए, कंपोजर्स खड़े किए, उन्होंने बहुत सारे डीलर्स खड़े किए। ये बिजनेस था नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले गुलशन कुमार जी थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे डीलर्स थे और मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना, कोई ये सिस्टम था नहीं। गुलशन जी ने बोला कि यार चलो तुम वैष्णो देवी में तुम दुकान लगाओ, तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये ना केवल इस बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार गुलशन जी ने कराया था। तो इस सिलसिले में वो बहुत इंटरनल ट्रैवल करते थे, हम सुनते रहते थे बिकॉज हमारे नज़दीक सब थे जो उस समय बहुत नज़दीक थे, कोहली जी सुशील, तो दे शुड कीप टेलिंग। अभी जा रहे हैं कहीं, सपोज हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी में बैठे रास्ते में एक कोई साधु दिख गया, नागा साधु या कोई ऐसी चोगा डाल के था, और रोको रोको गाड़ी रोको, उतरे जेब से 15,000 रुपये निकाले, जो निकाले ये सर निकल पड़े। कौन करते हैं लोग ऐसे बचाते हैं लोग, या फिर दान करते हैं तो फिर बता बता के करते हैं, हेलो मेरे ये मेरा क्या फाउंडेशन, मेरी ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, इतना ये किया चुपचाप, और ये मालूम नहीं पड़ता अगर उनके लोग या ड्राइवर नहीं बताते कि आज साहब ने ऐसा किया। तो वो इस तरह के आदमी थे, इसीलिए उस आदमी की इतनी इज्जत है, और इसीलिए जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को उनकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे डीलर्स खड़े थे, जैसे हमारा फैमिली है विद अ वेंजेंस। विरोध तो गवाह इस बात के कि जब वो नहीं रहे तब ननू बहुत छोटे थे उस समय, बहुत एकदम यंग आए थे, पर इनके साथ देने के लिए सारे डीलर्स खड़े रहे। जब हमारे यहाँ लोग दीवाना आए तो उन्होंने वेंजेंस के साथ में उसको बेचा है, और जो भी यहाँ लोग उसके बाद में आए वो क्यों, अपने पापा के सुकर्मों की वजह से। अगर पिता के दुष्कर्म होते तो बेटा भुगतता, पिता इतने दानी इतने पवित्र आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी फैमिली को उनके ना होने के बाद भी उनके ना होने की कमी महसूस हुई। Hello, good afternoon everybody. My question is to Mr. Raj. Since you have selected the singers and the composers. First of all, it's taken 2.5 years for us to put this together. I don't think we would have launched the platform if T-Series had not partnered us. Because I've been talking to many people for the last 1.5-2 years and you know it's been going on. The reason on choosing people for tomorrow's show is more to do with people who've been associated with T-Series than anything else. People who have had a relationship with Gulshan Ji and people who had a relationship with T-Series, and that's the criteria on which all the artists tomorrow are performing, and all of them are performing pro bono as a mark of respect to Gulshan Ji. Bhushan Ji, mera sawal aap se hai.